हेलो एवरीवन, सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक ईएएन रूल या इसी नो अपन सेडविक रूल बोल देने हैं या इसी नो अपन बोल देना इनर्ट गैस रूल। ईएएन दी फुल फॉर्म होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक तो मास्टर कैडर से हर साल क्वेश्चन आता है तो इस रूल सेडविक ने दिता सी, इस करके इसनों सेडविक रूल बोलते हैं। इनर्ट गैस रूल क्यों बोल देंगे, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग जे किसी ट्रांजिशन मैटल का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इनर्ट गैस के इक्वल आ जाता है, मतलब इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाता है, उस पर्टिकुलर कॉम्प्लैक्स को स्टेबल मान लिया जाता है कि वह कॉम्प्लैक्स की है स्टेबल है। बट इसके कुछ लिमिटेशन भी सी, कुछ कंपाउंड ईएएन रूल को फॉलो करते सी बट स्टिल दे आर अनस्टेबल, कुछ कंपाउंड ईएएन रूल को फॉलो नहीं करते सी बट वह फिर भी की सके स्टेबल सके। बट ये जी थ्यूरी हैगी मैटल कार्बोनल्स, मतलब जो सीओ लिगेंड प्रेजेंट होगा उदों एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर पाती थी किसनों स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्पलैक्सिस। हुण आपां गल करिए ईएएन रूल का फॉर्मूला की होंगेगा। ठीक है, ईए नंबर कैलकुलेट करते आप अटोमिक नंबर प्लस इलेक्ट्रॉन काउंट फ्रॉम लीगेंड। ठीक है, लीगेंड का जनरली इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है 2, मतलब किन्ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं 2 माइनस प्लस चार्ज। जो ओवरऑल मैटल के उपर चार्ज पॉजिटिव है तो आप उसमें की करा माइनस, जो ओवरऑल चार्ज मैटल से नैगेटिव है तो उसमें आप करा एड। जिस तरह आप एक क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे K4FeCN6। ठीक है जी, इस कॉम्पलैक्स के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन काउंट कैलकुलेट करना हो ट्रांजिशन मैटल का तो और जी आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। ठीक है, के कितना होता प्लस 4 प्लस एक्स इंटू, ठीक है, 6 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू की आ जाएगा 0, एक्स की आ जाएगा प्लस 2, मतलब आयरन की है प्लस 2 चार्ज है। ठीक है, आई होप तो इन्ना कैलकुलेट करना आंदा होगा। हूँ देखो जे आप कैलकुलेट करिए इफेक्टिव अटोमिक नंबर, ठीक है, तो आयरन का किन्ना आ जाएगा अटोमिक नंबर 26 प्लस 6 इंटू, ठीक है, सी एन किन्ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, हूँ अपने को ओवरऑल चार्ज की प्लस 2 तो आप करेंगे 2 की कर देंगे सबस्ट्रैक कर देंगे तो ए किस के इक्वल आ जाएगा 36 के इक्वल आ जाएगा, मतलब ए की है 36 किसकी कॉन्फिगरेशन होती है क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होंगी या क्रिप्टॉन का अटोमिक नंबर होंगे, मतलब जोड़ा ए वाला कॉम्पलैक्स है किसान फॉलो कर देगा सिडविक रूल में फॉलो करता है या इनर्ट गैस रूल में फॉलो कर देगा। हूँ देखिए जो गल करिए अपने को, ठीक है, सपोज करो, ठीक है, नोबल गैस होंगे जीडिया वो कि होंगे नेगिया जोड़े भी ग्रुप 18 के मैंबरस होंगे ने गेड़े कि होंगे नेगे हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जीनोन। ठीक है, हीलियम का कितना 2 इलेक्ट्रॉन काउंट 10, आर्गन का 18, क्रिप्टोन का 36, जीनोन का कितना 54 ते रिडोन का कितना होता है 86, मतलब जो कोई कॉम्पलैक्स, ठीक है, ए उसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 36 54 या 86 आ जाता है तो उस कॉम्पलैक्स में आप मान लेना है कि वह 18 इलेक्ट्रॉन रूल की कर देगा फॉलो कर देगा। इसलिए तुम्हें सब तो पहला की पता होना चाहिए, ठीक है, ट्रांजिशन मैटल्स होंगे जीडिया उन्होंने अटोमिक नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन दिता भी होंगे कई बार नहीं भी दिता होंगे, जिस तरह 3D सीरीज हैगी। ठीक है, 3D सीरीज की होंगेगा स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम क्रोमियम मैगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। ठीक है, इस तरह थोड़ी याद होनी चाहिए। 4D सीरीज होंगी, एक 5D सीरीज होंगी है। ठीक है, इस तरह ये अपने को 3 सीरीज होंगे ने, 3D सीरीज 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर हूँ जी अपने, ठीक है, इस शब्द का इलेक्ट्रॉन काउंट थोड़ा पता होगा स्कैंडियम का 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, इस सब पता है। हूँ जी सपोज आपने मोलीबैटनियम का कढ़ना है, ठीक है, तो की करेंगे आप 24 के नीचे की है ये मोलीबैटनियम है तो पहला की ऐड करेंगे 18 ऐड करेंगे, उस तो बाद की ऐड करेंगे 32 ऐड करेंगे। ठीक है, पहला की ऐड करेंगे 18 फिर की करेंगे 32। क्लियर है सबनों? हूँ जिस तरह अपने तो पूछा जाए, ठीक है, प्लैटिनम का अपने को कितना अटोमिक नंबर होएगा। ठीक है, देखो प्लैटिनम कितने आ पाएगा,
ठीक है, तो ऊपर कितना निकलता 28, तो 28 प्लस 18 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। जे तो आपसे पूछ लिया जाए रिडियम का कितना होएगा, रिडियम का तो की करोगे 27, पहला की ऐड करोगे उससे 18, फिर की ऐड करोगे 36, देख लेना कितना आएगा 27 18 36, ठीक है। 8 7 15 6 21, ठीक है, 3 4 4 3 7, ठीक है 71 आ जाएगा। सॉरी कैलकुलेशन ऐड करके, ठीक है 27 18, फिर अपन की ऐड करना 32, ठीक है, और भी ऐड करना पड़ेगा 32, ठीक है, कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 77 आ जाएगा की एटॉमिक नंबर। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऐड कर सकते हैं ये पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। 4D सीरीज 5D सीरीज के ट्रिक्स होंगे याद करने दी, एटॉमिक नंबर जनरली क्वेश्चन अंदर दे दिया जाता है, पर जे नहीं भी दिता जाए तो भी थोड़ा याद होने जरूरी ने। हुण आपां कुछ क्वेश्चन करते हैं ईएन रूल के बेस पर, ठीक है। ए वाला क्वेश्चन तुहाडा प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो की है, ठीक है, अपन कॉम्पलैक्स दिता है Fe3CO12, ठीक है, द इफेक्टिव एटोमिक नंबर ऑफ मैटल सेंटर, ठीक है। हुण कई स्टूडेंट स्ट्रक्चर नहीं पता होना, ठीक है, चलो मैं तुम्हें दसदा स्ट्रक्चर किस तरह होंगे इसका, Fe, ठीक है, इस तरह तीन मैटल मैटल बॉन्ड्स होंगे ने, ठीक है, दो उरे ब्रिजिंग जे अंदर होंगे ने, ठीक है, तीन उरे होंगे ने, ठीक है, तीन उरे होंगे ने, चार उरे होंगे ने, क्लियर है सबनों। हूँ देखो हूँ कई स्टूडेंट्स लगेगा कि ब्रिजिंग का कॉन्सैप्ट कितों आ गया, सानू कि मतलब लगेगा कि स्ट्रक्चर होना है, ठीक है, और मैं तुम दसदा किस तरह आप आइडेंटीफाई कर सकते इस तरह के क्वेश्चन। हूँ देखिए पहले आप ईएन रूल कढ़ना सीख देंगे, ठीक है, जो सपोज अपने आ मैटल के अराउंड कढ़ना है, ठीक है, तो अपने को जो ब्रिजिंग के अंदर होंगे ने उन्हों का काउंट हमेशा आप एक लेना होंगे, क्यों, क्योंकि दो मैटल के अंदर शेयर हो गया तो एक वैसे डोनेट दो ही करते हैं, बट दो मैटल के अंदर शेयर हो गया तो एक मैटल कि मिलेगा, एक ही मिलेगा, ठीक है, तो एक उरों आ गया, तो एक मैटल मैटल बॉन्ड इस तो आ गया, तो एक इस तो आ गया, ठीक है, दो इस तो आ गए, दो इस तो, दो इस तो, ये टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, आयरन का कितना एटॉमिक नंबर 26 प्लस, ठीक है, सीओ जेडे अपने को साइड दे इन्हों आप टर्मिनल सीओ बोल देंगे, तो इस तो कितना आ जाएगा 2 × 3 प्लस, ठीक है, एक ए ब्रिजिंग वाले तो, एक इस तो, ठीक है, दो ब्रिजिंग वाले तो आ गए, तो दो किस तो आ गए मैटल मैटल बॉन्ड तो आ गए, तो जी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपने को, ठीक है, ये कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी, ठीक है, जिड़ी कि किसकी इक्वल हैगी क्रिप्टोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे इक्वल हैगी, तो इसका मतलब, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा 36। बट हूँ डाउट होंगे स्टूडेंट के मन च इसका स्ट्रक्चर कैसे पता चले, जो आप जो नॉर्मल कंडीशन की गल करिए Fe, ठीक है, अपने इस भी चार सीओ लगाते, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर करने लिए, ठीक है, इस तो भी चार लगाते, अपन ब्रिजिंग का कॉन्सैप्ट नहीं पता सी, अपने इस तरह कैलकुलेट कर ली, ठीक है। हूँ देखो हूँ जो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, ठीक है, 26 किस तो आ जाएगा आयरन तो, ठीक है, एक ए वाले मैटल मैटल बॉन्ड तो, एक ए वाले मैटल मैटल बॉन्ड तो, ठीक है, दो उरों, ठीक है, 26 + 8 + 2, ठीक, फिर भी कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है, फिर भी कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। मतलब जे तुहानू स्ट्रक्चर नहीं भी पता होंगे तो भी देख लो, जो सिंपल स्ट्रक्चर बनाते तो भी तुहाडा आंसर आ जाना सीगा, बट ए वाला की होंगे एक्यूरेट स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर की मैंने दसता क्योंकि यह IR डाटा के बेस से बनते हैं, ठीक है, जी अपने को ब्रिजिंग होंगे ने सीओ, ठीक है, इन्हों का IR डाटा अलग होंगे, जो टर्मिनल सीओ होंगे ने इन्हों का IR डाटा की होंगे अलग होंगे। बट इसलिए एक होर ट्रिक हैगी कि जोड़ा भी अपने को इलेक्ट्रॉन काउंट आता होंगे वो जनरली नीयरेस्ट नोबल गैस के इक्वल ही आता होंगे, जिस तरह इस केस 36 की हैगी नीयरेस्ट नोबल गैस हैगी तो उसके इक्वल ही आएगा। चलो तो एक क्वेश्चन है हूँ, हाँ, ये वाला क्वेश्चन तुहाडा प्रीवियस ईयर देगा, ठीक है, क्वेश्चन देखो ट्रैंगुलर स्ट्रक्चर है रूथीनियम, ठीक है, इसका, ठीक है, इस टू रूथीनियम रूथीनियम बॉन्ड प्रेजेंट ने, ठीक है, ऑलसो, ठीक हैज टू रूथीनियम रूथीनियम बॉन्ड्स एंड ऑलसो फोर सीओ लिगेंड्स आर बॉन्डर टू ईच रूथीनियम सेंटर, ठीक है। हूँ देखो
ठीक है, इसने स्ट्रक्चर दे ही देता खुद ही। ठीक है, इसने की गया हर एक रूथीनियम दे दो मेटल मेटल बॉन्ड ने, मतलब रूथीनियम ने बॉन्ड ते हर एक, ठीक है, जो रूथीनियम नाल ने चार सीओ बॉन्ड्स लगे हुए ने। इस तरह हुण तुसीं इसका इलैक्ट्रॉन काउंट देना है। सपोज तुहानूं क्वेश्चन च ठीक है अटोमिक नंबर दे नहीं दिता हुंदा तां तुसीं की करना सी, पहला अटोमिक नंबर तुहानूं पता होना जरूरी सीगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन च उसने देता सीगा, बट जे नहीं भी दिता हुंदा तां वी तुहानूं कैलकुलेट करना आना चाहिदा है। चलो इसका क्वेश्चन आंसर तुसीं कमेंट सैक्शन अंदर मार्क करना है कि की इज द करैक्ट ऑप्शन बनेगा। उस तो अलावा कुछ होर क्वेश्चन भी मैं लेके आया, जिस तरह सीओ टू सीओ एट, ठीक है, इसका सोलिड स्टेट का स्ट्रक्चर ए हुंदा है, लिक्विड स्टेट ए हुंदा है, बट जो तुसी दोहां दे केस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे मतलब ईएन रूल कैलकुलेट करोगे तो वह की आएगा सेम आएगा, ठीक है, बिकॉज जो मैटल कार्बोनल होंगे ने वह ईएन रूल को चंगी तरह की कर देंगे फॉलो कर देंगे। उस तो अलावा जो अपने को एफ ई टू सीओ नाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला होंगे गा, ठीक है, थोड़ा मैं करवाई चुका है। उस तो अलावा जो अपने को इरीडियम फोर, ठीक है, बारह कार्बोनल हो उसका स्ट्रक्चर की होंगे गा, ठीक है, हर एक इरीडियम के नाल की होंगे ने गे एक दो तीन चार, ठीक है, तीन हरेक इरीडियम की होंगे ने तीन तीन सीओ लगे होंगे, एक बहुत ही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होंगे गा। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन काउंट तुम कमेंट सैक्शन अंदर मार्क करना कि इसका ईएन रूल कि, ठीक है, एक क्वेश्चन ए है तो एक क्वेश्चन थोड़े लिए ए है, ठीक है, सीओ टू सीओ एट तो एक क्वेश्चन ए है, ठीक है, इन्हें तिना का इफेक्टिव अटोमिक नंबर तुम कमेंट सैक्शन अंदर मार्क करना है। ठीक है, आई होप तो ईएन रूल का कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया होगा। ठीक है, इस चैनल को सबसक्राइब करो तो आपके दोस्तों शेयर करो ताजो आप होर भी वीडियोज़ की कर सकी अपलोड कर सकी।